वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास ग्रंथी सिंह गुरद्वारा किला मरग साहिब पातशाह बठिंडा आते जो अज गुरद्वारा कलगीधर साहब विखे मुल्तानिया रोड से जो मसले के संबंध में सिख जथेबंदियां इकट्ठिया हुई हैं। सो 18 सितंबर गुरद्वारा कलगीधर साहब विखे एक आनंद कार्ज लड़की दे नाल होया उहदे संबंधी जो सिख परामां दा घाण किया गया। सो सिख जथेबंदियां अज इत्थे इकत्र होईयां ने। सो जिस तरह भी यह मसला विचार के तख्त साहब ते पहुँचाया जाएगा, जिस तरह भी श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब ज्ञानी ज्ञानी रघुवीर सिंह जी अते तख्त श्री दमदमा साहब के जथेदार साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी के ध्यान दे विच इह सारा मामला लिया जाएगा। जो सिख परंपरावां अनुसार जो भी कार्रवाई होगी वह की जाएगी। सो यह एक निंदनयोग घटना हुई है। सो इस तरह का कदे भी सिख धर्म के नहीं होया। यह आनंद कार्ज गुरमर्यादा के उल्ट होया है। इसकी असी सख्त शब्दों में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों निखेधी करते हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी, ग्रंथी साहबाना वालों जो सानू उन्होंने दसिया है इतों के गुरद्वारा कलगीधर साहब के जो ग्रंथी सिंह ने उन्होंने दसिया कि उन्होंने पता सी कि दोनों लड़कियां ने अते कमेटी भी बराबर दी ही दोषी है, क्योंकि कमेटी एक प्रबंध चलाने वास्ते गुरद्वारा साहब का प्रबंध चलाने वास्ते एक कमेटी नियुक्त की जाती है। इसलिए वह कमेटी के ध्यान दे विच भी मसला होगा। यह एक गिनीमत साहस भी हो सकती है। सिख परंपरावां का घाण होया है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। यह एक मानसा तो दसदे एक सिंह एक तो मानसा तो दसदे परिवार एक अपने इतों बठिंडे का परिवार आ जिन्हों का आनंद कार्ज होया। हाँ जी, उन्होंने प्रॉपर जो प्रूफ आनंद कार्ज के लिए लेंदे ने वो सारे प्रूफ उन्होंने लए आ, पर इन्हों पता सी भी ये दोनों लड़कियां ने। हुण जो भी सिख जथेबंदियां आते तख्त साहब के ध्यान दे विच इह मसला लिया जाएगा। जो भी ये होया तो घटनाक्रम होया सारा मसला लिखती रूप दे विच उत्थे जाएगा, उस तो बाद अगली कार्रवाई होगी। सिख जथेबंदियों के श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो गुरद्वारा हाजी रतन साहब तो मैनेजर साहब और धन प्रचार कमेटी के इंचार्ज साहब और मालवा जोन के इंचार्ज भाई नरपैर सिंह जौंद सारे पहुंचे ने। सो अगले की कार्रवाई लिए उन्हों तो लिखती सारे बयान हो रहे हैं। ये इतों के ग्रंथी सिंह असी नाम नहीं जानते, दोनों ग्रंथी सिंह असी मिले हैं। हरदेव सिंह दस रहे थे एक अजैब सिंह जी। बाबा जी, अज इस मसले को लैके तुहाडे की विचार ने, किवें वेखदे हो तुसीं? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज जिहड़ा मसला 18 तरीक की घटना आ जी कलगीधर साहब गुरद्वारा साहब के वापरी आ, इतों की वोदी जी मैनेजमेंट वो भी जिम्मेवार आ, जे इतों के ग्रंथी सिंह ज रागी सिंह ने वह भी प्रॉपर जिम्मेवार ने, क्योंकि इन्हों पता होने के बावजूद भी सिखा दिया परंपरावान की ने, सिखा की रहत मर्यादा की आँदी है, वो उल्ट जाके इन्होंने एक दो कुड़ियों के आनंद कार्ज किए ने, किसी लालचवश किए ने, कोई होर कारण होता यही दसन के जो जाँच होगी वो आऊ सारा कुछ। तो असी जथेदार साहब को यही अपील की हूँ एप्लीकेशन अर्जी भेज रहे हैं जथेबंदियों वालों, सिख जथेबंदियों वालों, कि इतों की जी कमेटी आ प्रबंधक कमेटी बनी आ वो ना तो गल सुन तैयार है किसी की ना किसी का फोन चकते हैं, तो उन्होंने तुरंत बर्खास्त करके इतने जो इन्होंने मुलाजम ने जिन्होंने ये किया कीर्तन अपना कीर्तन भी किया आनंद कार्ज भी करे आ उन्होंने भी बर्खास्त करके जी बनती सज़ा उन्होंने धार्मिक ज कोई भी जी बनती सज़ा वो देनी चाहिए आ। तो इतने जो श्रोमणी कमेटी है गुरद्वारा साहब नूं अपने कंट्रोल दे विच लवे, ते नहीं तो फिर गुरसिखां दी इत्थे कमेटी बना के नाल सिख जथेबंदियों नूं विश्वास दे विच लैके ते इस प्रबंध नूं अगे फिर वधाया जाए। हुण साडी अपील तां इही है।